हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ लॉ इन द कंपटीशन कम्युनिटी। और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आया हूं हमारी छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 यानी कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 का एक और वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 4 ऑफ द एक्साइज एक्ट को पूरी तरह से पढ़ के खत्म कर देंगे। इससे ठीक पिछले वीडियो में हमने सेक्शन नंबर 18 तक कवर किया था और इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 18A से लेकर सेक्शन नंबर 24 को कवर कर लेंगे, यानी कि चैप्टर 4 हमारा इस वीडियो लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो अगर आप पहले ऐसे इंसान हैं जो इस पहले वीडियो पे आ रहे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोस को जाके देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगी। वहां से आपको हमारे अभी की वीडियो जो आ रहे हैं उसका आपको रेलेवेंस मिल जाएगा, ताकि आपके दिमाग में कनेक्टिविटी बनी रहे। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा आपको मेरे पीछे बहुत क्लियरली लिखा हुआ दिख रहा है कि आज हम डील कर रहे हैं एक्साइज एक्ट 1915, जिसके सेक्शन नंबर 18A से आज के इस लेक्चर की शुरुआत होने वाली है। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि 18A बात किसके बारे में करता है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमें क्या देख लेना है कि इसमें सबसेक्शंस कितने हैं। तो अगर हम यहां पे देखें तो हमें मिलेंगे 3 सबसेक्शंस, 1, 2 और 3। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये किसके बारे में बात करता है तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा ही आसान सा कांसेप्ट है जो हमें तुरंत पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये बात किसके बारे में कर रहा है, ये बात कर रहा है एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर सेल एक्सेट्रा मे बी ग्रांटेड, यानी कि कुछ ऐसे अलग हटके जो प्रिविलेजेस हैं यानी कि जो सुविधाएं हैं वो दी जा सकती हैं मैन्युफैक्चर सेल एक्सेट्रा से रिलेटेड, यानी कि बनाने या बेचने से रिलेटेड। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत किसी और प्रावधान के होते हुए भी, यानी कि उसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट में ग्रांट द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज टू द छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कह रहा है कि जो छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी और प्रावधान के होने के बावजूद वो क्या कर सकती है, वो जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है वो ग्रांट कर सकती है, यानी कि कुछ स्पेशल अधिकार है, कुछ स्पेशल सुविधाएं ग्रांट कर सकती है। किसको? छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ये कौन सी कॉर्पोरेशन है, ये एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जो कि पूरी तरीके से ओन्ड है किसके द्वारा, स्वयं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये प्रिविलेजेस किस प्रकार की होंगी, तो ये प्रिविलेजेस हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेलिंग के लिए या बेचने के लिए होलसेल में। कौन सी, किस चीज को, किसी भी चीज को नहीं, ताड़ी वाड़ी को नहीं, ये केवल एक चीज के लिए होगा, इंडियन मेड फॉरेन लिकर के लिए, वो भी स्टेट के अंदर। अब सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसेक्शन 1 केवल आपसे इतनी बात कह रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी प्रावधान के होने के होते हुए भी या उसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट जो है वो छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक्सक्लूसिव राइट दे सकता है कि वो क्या कर सकता है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर को बेच सकता है, बना सकता है या होलसेल में सेल कर सकता है स्टेट के अंदर। बात क्लियर है हमें, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देयर अपॉन द एक्साइज कमिश्नर सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट मे ग्रांट नेसेसरी लाइसेंस टू द छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर द अफोरसेड पर्पस। अभी जो सेक्शन नंबर 2 है यानी कि सबसेक्शन 2 है, ये सबसेक्शन 1 को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम ये एक्सक्लूसिव राइट देना चाहते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमें एक्सक्लूसिव राइट देना है तो सबसेक्शन 2 के अंतर्गत एक्साइज कमिश्नर जो कि रियल अथॉरिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है जो भी रूल स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसके अंतर्गत एक नेसेसरी लाइसेंस ग्रांट करना पड़ेगा, किसको, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन को। यह हमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा। और सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 3 यह कह रहा है कि द छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड आफ्टर द ग्रांट ऑफ सच लाइसेंस मे ओपन इट्स ब्रांचेस डिपोज इन द स्टेट इन सच प्लेस एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज द स्टेट गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई। यानी कि सबसेक्शन 1 में उसको स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ किया, स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो सबसेक्शन 2 में उसको एक्साइज कमिश्नर ने लाइसेंस दिया, एक्साइज कमिश्नर से लाइसेंस मिल गया तो उसके बाद वो क्या कर सकती है, कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद अपने ब्रांचेस या डिपोज को स्टेट के अलग-अलग कोनों में खोल सकती है। अब जरा इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहा है, सबसे पहली जो बात करी गई वो यहां पे करी गई कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अलाउ किया कि एक आपको एक एक्सक्लूसिव राइट दे रहे हैं हम कि आप अपनी जो शराबें हैं, जो फॉरेन लिकर है जो कि इंडिया में बन रही है, उनको स्टेट के अंदर आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, बना सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे ही ये परमिशन यहां से मिली तो सबसेक्शन 2 में एक्साइज कमिश्नर को क्या करना पड़ेगा, यहां पे लाइसेंस देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मेन अथॉरिटी कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। जब पिताजी ने ही बोल दिया कि बेटा करना है तो इनको करना ही पड़ेगा। अब जब इससे ये दोनों की दोनों कंडीशंस यानी कि 1+2 फुलफिल हो गया तो ये जो थर्ड सबसेक्शन में काम करेगा वो क्या है, वो अपनी ब्रांचेस को स्टेट के अंदर खोल सकता है, मल्टीपल ब्रांचेस, जैसे कि यहां पे मल्टीपल एरोस
क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो आई होप आपके दिमाग में सेक्शन नंबर 18 क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 क्या कह रहे हैं? लेसीज परमिशन टू ड्रॉ ताड़ी। ताड़ी क्या होता है सर? हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ताड़ी का एक पेड़ होता है, पाम ट्री, उसके ऊपर कट करके जैसे रबड़ को निकाला जाता है, वैसे ही पेड़ के अंदर से उसके जूस को निकाल के ताड़ी की शराब बनाई जाती है। अब ताड़ी का पेड़ कहीं भी उग जाता है, तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है कि वहां के जो ओनर्स होते हैं उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। तो जरा देखते हैं यहां पे क्या बात हो रही है। ये कह रहा है, वेयर अ राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ताड़ी हैज बीन लीज्ड अंडर सेक्शन 18। हमने सेक्शन 18 लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि क्या है, आपको राइट्स ग्रांट किए जाते हैं। तो कह रहा है कि वेयर अ राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ताड़ी हैज बीन लीज्ड अंडर सेक्शन 18, लीज में दिया गया है ये राइट ताड़ी निकालने का सेक्शन 18 के अंतर्गत। द स्टेट गवर्नमेंट मे डिक्लेयर दैट द रिटन परमिशन ऑफ द लीजी टू ड्रॉ द ताड़ी शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज द लाइसेंस फ्रॉम द कलेक्टर फॉर दैट पर्पस। जैसा कि हमें पता है लाइसेंस कौन ग्रांट करता है? एक्साइज कमिश्नर करता है, कलेक्टर करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करते हैं। और हमने सेक्शन नंबर 18 में देखा था कि अथॉरिटी वो जो लीज की है वो कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सेक्शन केवल इतनी सी बात कह रहा है कि ताड़ी से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई लीज देगी तो वो लीज स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल के देगी कि ये जो लीज मैं दे रही हूं इसकी अथॉरिटी वैसी ही है जैसे कलेक्टर ने कोई लाइसेंस दे दिया हो। यानी कि राजा ने बोला कि मेरे सेनापति का जो आदेश है, आमतौर पर सेना को आदेश कौन देता है? सेनापति। लेकिन राजा ने अगर सेना को सीधा कोई आदेश दिया तो वो क्या बोलेगा? इस आदेश को ऐसे मानना जैसे कि तुम्हारे सेनापति ने तुम्हें आदेश दिया हो। बस ये यही बात है कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, एक परमिशन ग्रांट करी। किस चीज को रिलेटेड करी? सर ताड़ी से रिलेटेड करी। और ये परमिशन को उसने क्या बोल दिया कि मान लेना कि ये परमिशन कैसी है, एज इफ तुम्हारे कलेक्टर साहब ने कोई लाइसेंस ग्रांट किया हो, ये उस किस्म की परमिशन है। बस इतनी सी बात करी गई है सेक्शन नंबर 19 में। अब आता है सेक्शन नंबर 20, काफी इंटरेस्टिंग है सर, इसको पढ़ के देखते हैं। ये क्या कह रहा है? मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ लिकर इन मिलिट्री कैंटोनमेंट्स। अब यहां पे आपको समझने वाली बात ये है कि पहले कॉन्सेप्ट ये क्लियर करिए कि मिलिट्री कैंटोनमेंट का मतलब क्या होता है। मिलिट्री कैंटोनमेंट का मतलब क्या है? अगर आप बिलोंग करते हैं किसी ऐसी सिटी में जहां पे आर्मी का बेस हो तो उसका जो सर्कमफेरेंस होता है या उसका जो डायमीटर होता है या उसका जो टोटल एरिया होता है जहां पे वो बाउंड्री लाइन खींची होती है, अलग अलग एरियाज में जहां उनकी बाउंड्री लाइन खींची होती है, उसको हम कहते हैं मिलिट्री कैंटोनमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस जगह पे मिलिट्री का कंट्रोल है, उस जगह पे मिलिट्री का ही शासन है, वहां पे लोकल पुलिस का भी इफेक्ट नहीं चल रहा। वो जो मिलिट्री कैंटोनमेंट है वो टोटली मिलिट्री के अंडर में यानी कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंडर में आता है। तो अब ये जो है शराब वो तो वहां भी पी जाती है, वहां पर भी बेची जा सकती है। तो ये उसके बारे में बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है? विद इन द लिमिट्स ऑफ एनी मिलिट्री कैंटोनमेंट and within such distance from those limits as the central government in any case may prescribe, no license for the retail sale of liquor shall be granted except with the knowledge and consent of the commanding officer. यहां मैंने एक लाइन खींची क्योंकि मैं इस डेफिनेशन को दो पार्ट में ब्रेक करना चाहता हूं। ब्रेक क्यों करना चाहता हूं? सबसे पहले क्या बोला गया कि मिलिट्री कैंटोनमेंट के अंदर और मिलिट्री कैंटोनमेंट के अंदर ना भी हो तो उसकी उतनी दूरी तक जितना स्टेट गवर्नमेंट बताए, यानी कि अगर बाउंड्री यहां तक है तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि मिलिट्री कैंटोनमेंट की बाउंड्री से 1 किलोमीटर तक लाइसेंस नहीं मिलेगा तो लाइसेंस नहीं देना है। और लाइसेंस कब तक नहीं देना है? जब तक कि जो कमांडिंग ऑफिसर है इंडियन मिलिट्री की कैंटोनमेंट का, जब तक उसका नॉलेज ना हो और कंसेंट ना हो। यानी कि सिर्फ नॉलेज भी कंपलसरी नहीं है, यानी कि अगर आपने केवल एक लिखित लेटर लिख के दे दिया कि सर हम लाइसेंस ग्रांट कर रहे हैं आपके कैंटोनमेंट के बगल में, तो वो भी काफी नहीं होगा, उसकी कंसेंट भी आनी जरूरी है कि हां मैं इजाजत देता हूं कि आप एक ऐसा लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं। अब एक सवाल यहां बच्चों के मन में आता है कि कमांडिंग ऑफिसर कौन? आर्मी में बहुत सारी रैंक्स है, मैंने दो फोटो आपके पीछे लगा रखी है। आमतौर पर मिलिट्री कैंटोनमेंट्स के कमांडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? यहां पे आपको एक फोटो दिख रही है, ये हैं कर्नल, जैसे COL लिखा होता है, इनके यहां पे आपको दिख रहा होगा 2 स्टार और एक एम्बलम। इसका मतलब क्या है कि ये कर्नल है, इनके यहां पे एक कॉलर पे सीधा मार्क लगा होता है। और यहां पे फोटो है एक ब्रिगेडियर की, ये होते हैं कमांडिंग ऑफिसर। ये भी कई जगहों पे होते हैं, ये कमांड करते हैं एक ब्रिगेड को और ये कमांड करते हैं अपनी बटालियन को। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है सर? यहां पे इनके कॉलर पे होता है 1 स्टार और यहां पे शोल्डर्स पे होते हैं 3 स्टार और साथ में एक वो चिन्ह। तो ये होते हैं कमांडिंग ऑफिसर्स और इनकी परमिशन के बिना किसी मिलिट्री कैंटोनमेंट में शराब बेचना या उसका लाइसेंस ग्रांट करना अलाउ नहीं है। अब हमारे पास अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 21, जो कि बात कर रहा है ड्यूटीज ऑफ लाइसेंसेस विद रिगार्ड टू मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी मेजरमेंट एंड टेस्टिंग की बात कर रहा है। तो मैं आपको इस सेक्शन को पढ़ने से पहले ही एक एग्जांपल से बता देना चाहता हूं कि जैसे कि आप मान के चलिए अगर आपका व्यापार है किस चीज का, अनाज का, तो अगर आपके पास फूड इंस्पेक्टर आएगा तो अपने साथ हमेशा तराजू लेके नहीं आएगा, वो ऐसा एक्सपेक्ट करेगा क्योंकि आपका अनाज का व्यापार है तो आपके पास हमेशा तराजू अवेलेबल रहे ताकि वो ये तौल सके आके चेक करते वक्त कि भाई साहब आपके पास जो अनाज जो आप जिस क्वांटिटी में दे रहे हैं ये सही है कि नहीं है।
अब यहां पे क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है ड्यूटीज ऑफ लाइसेंसीज विद रिगार्ड टू मेजरमेंट एंड टेस्टिंग, एवरी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स और सेल्स एनी इंटॉक्सिकेंट अंडर अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी बाउंड। यानी कि इसका सबसेक्शन 1 हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी ऐसा इंसान जो इस एक्ट के अंतर्गत किसी लाइसेंस के तहत क्या कर रहा है, किसी चीज को बना रहा है या बेच रहा है, यानी कि किसी भी मादक पदार्थ यानी कि किसी भी शराब को बना रहा है या बेच रहा है, तो वो बाउंड होगा क्या करने के लिए, वो हमें अगली स्लाइड में दिखेगा। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वो क्या करने के लिए बाउंड है, टू सप्लाई हिमसेल्फ विद सच मेजर्स वेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एज द एक्साइज कमिश्नर मे प्रिस्क्राइब एंड टू कीप द सेम इन गुड कंडीशन ऑन द लाइसेंस प्रमाइसेस एंड। यानी कि पहला उसने क्या बोला कि अपने आप को वो उन चीजों से इक्विप करेगा जिस चीज के लिए एक्साइज कमिश्नर ने उसको बोला है कि तुम्हारे पास होना चाहिए लाइसेंस देते वक्त। अब वो क्या चीजें होती है वो हम आपको आगे बताते हैं। यहां पे मेजर वेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिखा है, यानी कि वो मेजर्स यानी कि वो नापने तोलने की मशीनरी, वो वेट्स, वो इक्विपमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हर एक लाइसेंस्ड पर्सन के पास होने चाहिए, वो क्या होते हैं हम आपको अगली स्लाइड में दिख जाएंगे। पॉइंट नंबर बी समझ लीजिए, ऑन द रिक्विजिशन ऑफ एनी एक्साइज ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ एट एनी टाइम टू मेजर वेट और टेस्ट एनी इंटॉक्सिकेंट इन हिज पोजेशन इन सच मैनर एज द सेड एक्साइज ऑफिसर मे रिक्वायर। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश करिए, एक्साइज ऑफिसर कभी रात को 2 बजे छापा मारने गया किसी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग को रिलेटेड, उसने नापना है कि ये शराब की डेंसिटी सही है कि नहीं है, यानी कि इसमें ज्यादा पानी या ज्यादा कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं मिलाया है, तो वो कैसे नापेगा अगर उसके पास इक्विपमेंट नहीं है। तो एक्साइज कमिश्नर ने पहले ही बोल दिया था कि जिन जिन लोगों के पास लाइसेंस है उन लोगों के पास ये इक्विपमेंट हमेशा रेडी टू यूज हालत में होने चाहिए। तो जो एक्साइज ऑफिसर है वो जाएगा, उससे बोलेगा वो वाला इक्विपमेंट लेके आओ और उसके इक्विपमेंट से चेक करेगा और फिर वो ये बात तय करेगा कि ये चीज सही थी कि नहीं थी। तो ये उन्हीं इक्विपमेंट्स के बारे में बोल रहा है। पहले में क्या बोला, पहले में बोला कि उस इंसान के पास उसको अवेलेबल रखना है अपने पास, और पार्ट बी में क्या बोला कि वो जब इक्विपमेंट जब कोई एक्साइज ऑफिसर मांगे तो उसको वो चीजें उपलब्ध करानी होंगी। जैसे कि यहां पे आपको इक्विपमेंट दिख रहे हैं, ये एक तराजू है, ये वेइंग के लिए है, ये भी वेइंग के लिए है, वेइंग के लिए है, ये आपका क्वालिटी मेजर्स के लिए हो सकता है, ये भी क्वालिटी, ये क्वालिटी मेजर्स के लिए, ये सब वेइंग को रिलेटेड ज्यादा है। तो आपको ये बात समझने की कोशिश करनी है कि एक्साइज में भी इसी टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके बारे में उन लोगों को अपने आप को अवेलेबिलिटी हमेशा बना के रखनी है, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 22 जो कि किसके बारे में बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 21 इयर्स एंड ऑफ वुमेन। इसको करते हैं हम स्टार मार्क 3 बार क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और इसमें कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए इसको हम मिस नहीं कर सकते। क्या कह रहा है ये, नो पर्सन हु इज लाइसेंस टू सेल इंटॉक्सिकेंट फॉर कंजम्पशन ऑन हिज प्रमाइसेस शेल ड्यूरिंग द आवर्स इन विच सच प्रमाइसेस आर केप्ट ओपन फॉर बिजनेस एम्प्लॉय और परमिट टू बी एम्प्लॉयड ईदर विद और विदाउट रेम्युनरेशन एनी मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स एनी वुमेन इन एनी पार्ट ऑफ सच प्रमाइसिस इन विच सच इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम्ड बाई द पब्लिक। अब हम इसका अगर आगे बढ़े तो हम लोगों को लगता है कि सर ये बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है, ये कह रहा है कोई भी ऐसा मेल पर्सन जिसकी उम्र 21 साल से कम हो या कोई भी ऐसी महिला जो कि महिला कोई भी महिला हो उसको हम क्या नहीं कर सकते इंटॉक्सिकेंट की मैन्युफैक्चरिंग या सेल में या जहां पे कंजम्पशन हो रहा है वहां पे उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। लेकिन ये बात आधी गलत है, क्यों, क्योंकि आपने डेफिनेशन को सही से पढ़ा नहीं। ये क्या कह रहा है, ड्यूरिंग दी आवर्स यानी कि जब जिस समय जिस वक्त जो है प्रमाइसिस ओपन है और वो क्या किस लिए ओपन है, बिजनेस के लिए ओपन है, उस समय किसी भी मेल पर्सन को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा और उस प्रमाइसिस के अंदर एम्प्लॉय किया जा सकता है लेकिन उस जगह पे नहीं किया जाएगा जहां पे पब्लिक इन जनरल शराब पी रही है। अब मैं इसको एग्जांपल से बताता हूं, एक 21 साल के मेल पर्सन को इस सेक्शन के तहत एम्प्लॉय किया जा सकता है, यानी कि अगर एक होटल में उसको एम्प्लॉय किया गया तो एम्प्लॉय किया जा सकता है लेकिन उस होटल का जो बार है और उस बार का जो फ्रंट पोर्शन है जहां पे सब लोग शराब पी रहे हैं वहां पे आपको उसको एम्प्लॉय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कंजम्पशन की एज भी 21 साल है, जब वो कंजम्पशन के लायक ही नहीं हुआ तो उसको आपको वहां पे नहीं भेजना है। दूसरी बात, कोई महिला अगर वो किसी बार में किचन में काम करती है, उसका काम है खाना बनाने का, तो वो काम कर सकती है, बस उसका एम्प्लॉयमेंट कहां नहीं होना चाहिए, शराब जहां सर्व होती है, जहां शराब लोग जनरल पब्लिक पी रही है वहां उसका एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। ये इस सेक्शन का रियल लाइफ इंप्लीकेशन है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। ठीक है सर, बात क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 23 में। सेक्शन नंबर 23 हमें क्या बताता है, बड़ी मामूली सी बात दोबारा से। ये कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ लिकर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग टू पर्सन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स, यानी कि ये बता रहा है 21 साल का रूल, यानी कि 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को इंटॉक्सिकेंट यानी कि शराब नहीं बेची जाएगी। अब क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये, नो पर्सन हु इज लाइसेंस टू सेल इंटॉक्सिकेंट शैल सेल और डिलीवर एनी लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग टू एनी पर्सन अपेरेंटली अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स वेदर फॉर कंजम्पशन बाय सच पर्सन बाय और बाय अनदर पर्सन और वेदर फॉर कंजम्पशन ऑन और ऑफ द प्रमाइसेस ऑफ सच वेंडर। अब यहां पे इन्होंने क्या किया, मल्टीपल कंडीशंस लगा दी। मल्टीपल कंडीशंस क्या क्या है सर, सबसे पहले
पहले बोला गया कि जिस भी पर्सन के पास लाइसेंस है वो किसी भी 21 साल के कम उम्र के बच्चे को शराब नहीं बेचेगा या उसको देगा। अब वो क्या है, वो बच्चा आके कई तरीके के बहाने बना सकता है। वो बोलेगा कि ये शराब मेरे लिए नहीं, मेरे अंकल के लिए है, उनसे वीडियो कॉल पे बात कराएगा आपको, तब भी उसको शराब नहीं देनी है। ये डेफिनेशन कहता है वेदर फॉर कंजम्पशन बाय सच पर्सन, यानी कि वो खुद पीने के लिए ले रहा है या वो किसी दूसरे पर्सन के पीने के लिए ले रहा है, तब भी आपको उसको शराब नहीं देनी है। वो कंजम्पशन के लिए ले रहा है उस प्रीमाइसेस के अंदर या प्रीमाइसेस के बाहर, तब भी आपको ऐसी शराब नहीं उसको प्रोवाइड करनी है। यानी कि 21 साल का एकदम स्ट्रिक्ट रूल है जो आपको फॉलो करना होगा। अब आते हैं हम अपनी अगली डेफिनेशन की ओर, जो कि है थोड़ी सी लंबी और बड़ी और जिसको देख के हमें डर लगता है, लेकिन बड़ा ही आसान है ये डेफिनेशन, इसको पढ़ेंगे तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। ये डेफिनेशन किसके बारे में बात करती है, पहली बात तो ये डेफिनेशन है 23A, ये डील करती है एडवर्टाइजमेंट के प्रोहिबिशन से रिलेटेड, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो हो रहा है उसको प्रोहिबिट करना है। कैसे सर? ये कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू लिकर, यानी कि शराब से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे हैं उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगना चाहिए। बहुत बड़े लेवल पे अगर ये एडवर्टाइज होगा तो लोग इसकी तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे और हमारे समाज में ऐसी जो चीजें हैं उनकी वो जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली समाज गलत तरीके से अफेक्ट होगा। अब ये क्या कह रहा है, अब सबसे पहले जो सबसेक्शन 1 है उसने क्या बोला, इन दिस सेक्शन द टर्म एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स, यानी कि इस सेक्शन में जहां जहां एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है एनी नोटिस सर्कुलर लेबल रैपर एंड अदर डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी भी प्रकार का नोटिस हो, कोई सर्कुलर है, कोई लेबल जो चिपका देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एडवर्टाइजमेंट का मतलब हम सबको पता है। एनी अनाउंसमेंट मेड ओरली और बाय एनी मींस प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट साउंड स्मोक, ये क्या कह रहा है, किसी भी प्रकार का अनाउंसमेंट किया गया हो यानी मुंह से चिल्लाया गया हो या कैसे किया गया हो, बाय मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट, हम लोग जो है क्या करते थे, प्रोजेक्टर से लाइट मार के भी एडवर्टाइजमेंट होता था पहले के जमाने में, ये एक्ट जरा पुराना है तो पहले के प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, या स्मोक के थ्रू आप कुछ ड्रामा क्रिएट करके क्या कर रहे हो, अपने आप को एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर में आएगा। एनी एग्जीबिशन बाय मींस ऑफ स्लाइड फिल्म एग्जीबिटेड ऑन द स्क्रीन इन दिस सिनेमा लाइसेंस अंडर छत्तीसगढ़ सिनेमा रेगुलेशन एक्ट, यानी कि किसी भी प्रकार का चलचित्र यानी कि मूविंग फोटोज जिसको हम कहते हैं सिनेमा फिल्म मूवीज वीडियोस, उसके थ्रू भी किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट यहां पे एडवर्टाइजमेंट मान लिया जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है सेक्शन का सबसेक्शन 2, ये क्या कह रहा है, हुएवर प्रिंट्स और पब्लिशर्स और कॉजेस टू बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड एनी न्यूज़पेपर बुक लीफलेट। अब न्यूज़पेपर और बुक आपको पता है, लीफलेट क्या होता है, एक किस्म का पैम्फलेट ही होता है, बुकलेट हमें पता है, बुकलेट मतलब बहुत सारे पन्नों का कलेक्शन होता है, और एनी अदर सिंगल और पीरियोडिकल पब्लिकेशन और अदरवाइज डिस्प्लेज और डिस्ट्रीब्यूट्स और कॉजेस और परमिट्स टू बी डिस्प्लेड और डिस्ट्रीब्यूटेड एनी एडवर्टाइजमेंट और अदर मैटर कमेंडिंग सोलिसिटिंग द यूज ऑफ ऑफरिंग और परमिटिंग द कमेंडिंग द सोलिसिटिंग द यूज ऑफ एनी लिकर शेल बी पनिश्ड। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने अगर इतनी सारी इनमें से किसी भी चीज पे अगर आपने कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया या अगर आपने कोई ऐसी चीज पब्लिश करी जिससे क्या हो रहा है, लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लिकर को कंज्यूम करने के लिए, तो ये बात करता है सजा का, तो आपको कितनी सजा मिल सकती है, इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 months, यानी कि ऐसी आपको जेल भेजा जा सकता है जहां पे आपको 6 महीने तक जेल में रहना पड़ेगा, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 2,000 rupees, यानी कि 6 महीने तक जेल, साथ ही साथ 2,000 rupees तक का फाइन, और अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब रही तो बोथ यानी कि दोनों भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ये कहता है हमारा सबसेक्शन 2, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सबसेक्शन 3, जहां पे हमें ABCD करके चीजें लिखी दिखेंगी। ये क्या कह रहा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 4, यानी कि जब तक कि सबसेक्शन 4 के एक्सेप्शन ना लगे हो, जो सबसेक्शन 2 में हमने बात करी थी वो अप्लाई कहां कहां होगा, नथिंग इन दिस सबसेक्शन शल नॉट अप्लाई। यानी कि ये क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 में हमने क्या देखा था कि उस इंसान ने अगर किसी इंसान ने क्या किया, कुछ भी पब्लिश करने की कोशिश करी बुक में न्यूज़पेपर में शराब से रिलेटेड, तो उसको उतनी सजा हो जाएगी। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि सबसेक्शन 4 में इस सेक्शन का एक्सेप्शन है, और जब तक वो एक्सेप्शन ना लगा हो तब तक के लिए क्या किया जा सकता है, ये चीजें अप्लाई नहीं होंगी सेक्शन नंबर 2 में। यानी कि अगर कोई इंसान ये चीजें करता है तो उसको सजा नहीं मिलेगी, वो लिकर का प्रमोशन इस तरीके से कर सकता है। कैसे, पॉइंट नंबर 1, कैटलॉग और प्राइस लिस्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन लिकर वेंट्स इन छत्तीसगढ़ इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत इसके रूल्स को फॉलो करते हुए अगर कोई इंसान प्राइस टैग लगाता है या कैटलॉग्स लगाता है, भाई कोई शराब की दुकान में जाएगा बोलेगा कौन सी शराब पीऊं, तो आप मेन्यू कार्ड देखते हैं ना, अगर आप कहीं जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में तो उस दुकान वाले के पास भी तो कोई कैटलॉग होना चाहिए जिसकी फोटो देख के वो देख सके कि हाँ मुझे ये वाली चाहिए, और अगर वो कैटलॉग रखेगा तो वो भी एक प्रिंटेड फॉर्म है तो वो एडवर्टाइजमेंट के अंडर आता और उसको 6 महीने की सजा हो जाती। तो इसीलिए यहां पर क्या किया गया, इस सेक्शन के अंतर्गत उसको एक एक्सेप्शन दे दिया गया कि नहीं तुम अगर कैटलॉग रखते हो तो तुम्हारे ऊपर सजा नहीं लगेगी। ठीक है, बस वो कैटलॉग या जो मेन्यू या जो प्राइस लिस्ट है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत होनी चाहिए। फिर आता है पॉइंट नंबर 2,
any advertisement or other matter contained in any newspaper, book, leaflet, booklet or other publication printed and published outside Chhattisgarh. अब जाहिर सी बात है सर, ये अधिनियम है छत्तीसगढ़ के अंदर का, इसके अंतर्गत आप किसी बाहर के आदमी को सजा कैसे दोगे? अब भाई अगर कोई एडवर्टाइजमेंट छपा है जो छत्तीसगढ़ के बाहर का है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, आप जाइए और आपको जो करना है करिए, वहां की स्टेट गवर्नमेंट आपसे निपटेगी। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर सी, एनी एडवर्टाइजमेंट और अदर मैटर कंटेन्ड इन एनी न्यूज़पेपर प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड इन छत्तीसगढ़ बिफोर सच डेट एज अ स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। यानी कि जिस दिन से ये अधिनियम आया या जिस दिन छत्तीसगढ़ बना ही नहीं था, छत्तीसगढ़ 2000 में बना, तो उससे पहले का या कोई ऐसी तारीख जो कि स्टेट गवर्नमेंट बताए उस तारीख से पहले का कोई एडवर्टाइजमेंट हो तब ये चीज लागू नहीं होगी। यानी कि ये जो सेक्शन है, ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है, इसके इफेक्ट में आने से पहले की डेट में अगर कोई एडवर्टाइजमेंट हुआ था तो उसके ऊपर भी वो सजा नहीं बनेगी। जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएगा वो। उसके बाद एनी अदर एडवर्टाइजमेंट और मैटर विद स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन जनरली और स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। ये क्या कह रहा है कि अगर किसी भी एडवर्टाइजमेंट को या किसी प्रकार के आपके प्रमोशन को स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है तो वो भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो अब जरा कॉन्टेक्स्ट लेने की कोशिश करते हैं। सबसेक्शन 1 ने हमें क्या बताया कि एडवर्टाइजमेंट क्या क्या होता है, सबसेक्शन नंबर 2 ने हमें क्या बताया, उसने ये बताया कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करेगा तो उसको 6 महीने की सजा, ₹2000 तक का फाइन या फिर दोनों लगाया जा सकता है। सबसेक्शन 3 ने हमें ये बताया कि जो सबसेक्शन 2 में आदमी को सजा मिल रही है अगर वो ये चार काम कर रहा है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। ये चार काम कौन से थे, कैटलॉग या मेन्यू, या भाई अगर आपने क्या किया बाहर जाके कुछ पब्लिश किया है, या आपने क्या किया है कोई ऐसा मैटर किया है जो कि जो है आपका न्यूज़पेपर या कोई ऐसा है जो कि स्टेट के बाहर का है। उसके बाद क्या है, चौथे वाले में हमने क्या देखा, चौथे वाले में हमने देखा कि भाई अगर आपकी जो तारीख है जिस तारीख से ये सेक्शन इफेक्ट में आया था उससे पहले का कोई एडवर्टाइजमेंट है तब भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सबसेक्शन नंबर 4, जो कि देखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन है फिर से मजाक। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3। अब हमने सबसेक्शन 3 में क्या देखा था कि ये जो चार चीजें लोग कर रहे थे, मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, ये जो चार चीजें लोग कर रहे थे इसके ऊपर एक्सेप्शन क्या है, सबसेक्शन 4। यानी कि ये चार चीजें करेंगे तो भी इनको सजा मिल सकती है अगर सबसेक्शन 4 के अंतर्गत वो आ जाता है। तो सबसेक्शन 4 क्या है, रिलेटेड है सबसेक्शन 3 से। क्या कह रहा है ये, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3 द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिट विद इन दिस स्टेट the circulation, distribution or sale of newspaper, book, leaflet, booklet or other publication printed and published outside the state which contains any advertisement or matter. क्या है यहां पे, पहले इसको मार्क कर लीजिए, आउटसाइड द स्टेट विच कंटेन्स एनी एडवर्टाइजमेंट और मैटर कमेंडिंग सोलिसिटिंग द यूज और ऑफरिंग और परप्यूटिंग द कमेंडिंग सोलिसिटिंग द यूज और ऑफरिंग ऑफ एनी लिकर एंड हुएवर सर्कुलेट्स डिस्ट्रीब्यूट्स एंड सेल्स सच न्यूज़पेपर बुक लीफलेट बुकलेट एंड अदर पब्लिकेशन इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ सच नोटिफिकेशन शैल बी पनिश फॉर एवरी ऑफेंस विद इंप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 6 months। यहां पे हम लिखेंगे 6 months और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 2000 rupees या फिर बोथ, यानी कि 2000 और अगर किस्मत खराब रही तो बोथ। अब ये सबसेक्शन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन निकालना और क्या करना है, प्रोहिबिट करना है विद इन द स्टेट। यानी कि आप समझ के चलिए कि भाई हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर छत्तीसगढ़ के स्टेट के बाहर में कोई कुछ पब्लिश कर रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पब्लिकेशन होता है वो नेशन वाइड होता है। तो अगर छत्तीसगढ़ के स्टेट के बाहर की कोई मैगजीन ने क्या किया, एक लिकर को प्रमोट किया, एडवर्टाइज किया, और छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो नोटिफिकेशन निकाल के ये बोल सकती है कि ये जो मैगजीन जो बाहर बट रही है ये हमारे छत्तीसगढ़ में प्रोहिबिट कर दी गई है, यानी कि ये मैगजीन हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं बेची जा सकती। और अगर उसके बावजूद छत्तीसगढ़ के अंदर वो मैगजीन कोई लेके आता है, उसको बेचता है या उसको अपने पास रखता है तो उस पर्सन को सजा कितनी मिलेगी, 6 महीने और ₹2000 तक का फाइन। ये सेक्शन ये बताने की कोशिश कर रहा है। कॉन्सेप्ट दोबारा समझते हैं, हमने इसे पिछले वाले सबसेक्शन में पढ़ा था कि अगर छत्तीसगढ़ के बाहर का कोई एडवर्टाइजमेंट है तो उसके ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं होगा, उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन इस सेक्शन में हमने पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो बाहर के किसी एडवर्टाइजमेंट को बोल सकती है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होगा, यानी कि वो बाहर जो करना है करे, लेकिन अगर हमारे छत्तीसगढ़ में आया तो उसके ऊपर पेनल्टी बन जाएगी। और जो भी इंसान उस एडवर्टाइजमेंट को, बुकलेट को, लीफलेट को या एडवर्टाइजमेंट को अगर स्टेट में लेके आता है या बेचने की कोशिश करता है या प्रमोट करता है तो उस पर्सन की सजा कितनी बन सकती है, 6 महीने तक का कारावास और ₹2000 तक का जुर्माना या फिर किस्मत खराब रही तो दोनों। ठीक है सर, उसके बाद आता है हमारे पास सबसेक्शन नंबर 5, जो कि अगेन थोड़ा सा देखने में लंबा है लेकिन है बहुत ही आसान। ये क्या कह रहा है, व्हेन एनी न्यूज़पेपर, यानी कि इसको हम हटा देते हैं भाई, जो भी पब्लिकेशन से रिलेटेड सामान है जो कि क्या कर रहा है, ऑफरिंग ऑफ एनी लिकर कर रहा है, यानी कि शराब को पीने के लिए आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, नोटिफिकेशन निकाल के क्या कर सकती है, एवरी कॉपी ऑफ द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर एंड एवरी कॉपी ऑफ सच बुक लीफलेट बुकलेट और अदर पब्लिकेशन टू बी फॉरफिटेड। फॉरफिटेड का मतलब क्या होगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा, टू गवर्नमेंट एंड देयर अपॉन एनी एक्साइज ऑफिसर
अब यहां से हम पहले यहां तक समझते हैं, ये क्या कह रहा है, ये बात सिर्फ इतनी सी कह रहा है कि मान लीजिए भाई सरकार ने नियम बनाया, क्या लोग इतने शरीफ है कि फिर भी उस नियम को मानेंगे, फिर भी वो कोई इलीगल तरीका निकालेंगे कि उस काम को करें। अगर लोगों ने ऐसा कोई इलीगल तरीका निकाला और वो काम को करना शुरू कर दिया तो सरकार के पास क्या होगा, सरकार उसको डिक्लेयर कर देगी और ऐसा नोटिफिकेशन निकाल के आदेश करेगी कि उनको फॉरफिट कर लिया जाए, यानी कि उनको जब्त कर लिया जाए, अपने कब्जे में लिया जाए। और वो किसको लेंगे, केवल भाई एडवर्टाइजमेंट है, बुकलेट है, पैम्पलेट है, वो तो एक नहीं कई लाख छपते हैं, तो उसकी हर एक कॉपी को जब्त कर लिया जाए, वो स्टेट में अलाउ नहीं होगी। और सरकार का ऐसा आदेश आने के तुरंत बाद, यानी कि यहां तक हमने ये बात पढ़ी, अब सरकार का आदेश आने के तुरंत बाद एवरी एक्साइज ऑफिसर, यानी कि एनी एक्साइज ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ द पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कि सबसे पहले कौन है, एक्साइज ऑफिसर है, रेवेन्यू का ऑफिसर है और कोई भी पुलिस ऑफिसर, ये तीनों क्या कर सकते हैं, एंड एनी अदर पर्सन ऑथराइज इन दैट बिहाफ, और एक आ गया कोई पर्सन जिसको क्या हो, अथॉरिटी मिली हो इस बिहाफ में, किसने दी होगी अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट ने, मे सीज द सेम वेर एवर फाउंड इन छत्तीसगढ़। एंड अब यहां से समझने की कोशिश करिए, अभी तक हमने क्या समझा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्या बोला कि भाई जो कॉपीज को मैंने बना किया था वो कॉपीज हमारे स्टेट में बट रही हैं, मैंने आदेश निकाल दिया कि उनको जब्त किया जाए। तो एक पुलिस ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर और उसके साथ ही साथ कौन, एक आपका एक्साइज ऑफिसर और उनके साथ एक चौथा आदमी और, कि वो कोई और दूसरा इंसान भी हो सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया हो, उनके पास ये अधिकार होगा कि वो ऐसी चीजों को जाके ढूंढे और जाके सीज कर ले। ठीक है सर, यानी कि फर्स्ट हैंड ये चार लोग काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास और भी कई लोग हैं, एंड एनी कलेक्टर और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, यानी कि जेएमएफसी और जेएमएससी और साथ ही साथ कलेक्टर जो हैं, इन लोगों का काम क्या होगा, ये लोग क्या कर सकते हैं, अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर टू एंटर अपॉन एंड सर्च द सेम इन एनी प्रीमाइस वेयर एनी कॉपी ऑफ सच इशू और एनी सच बुक, लीफलेट, बुकलेट और अदर पब्लिकेशन मे बी और मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड। यानी कि अगर अब हम इसको समझने की कोशिश करें तो बड़ा आसान तरीके से समझ सकते हैं। एक बार समझने की कोशिश करते हैं, इसने क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको बेचना मना है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पता चला कि इसकी कॉपीज बिक रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या निकाला, सर निकाला नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन निकाल के उन्होंने बोला कि भाई सीज करिए। अब ये सीज कौन कौन कर सकता है, ये सीज कर सकते हैं एक्साइज ऑफिसर, और कर सकते हैं कौन, रिवेन्यू ऑफिसर, और कौन कर सकता है सर, पुलिस ऑफिसर, लेकिन इसके साथ ही साथ कोई तीसरा पर्सन भी कर सकता है जिसको क्या मिली हो, अथॉरिटी मिली हो, और अथॉरिटी किसने दी होगी सर, जाहिर सी बात है अगर अथॉरिटी कोई देगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही दे सकता है। यानी कि ये लोगों का काम क्या है कि उनकी एक एक कॉपीज को जाके सीज करना। उसके बाद अगला नाम किसका आता है सर, उसके बाद अगला नाम आता है जे एम एफ सी, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास और कलेक्टर। इन लोगों को पावर दी है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग किसी तीसरे पर्सन को क्या कर सकते हैं, ऑथोराइज कर सकते हैं कि तुम भी जाओ और जाके सर्च करो और ऐसी चीज को सीज करो किसी के स्टेट के अंतर्गत, यानी कि अगर छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर ये काम ये लोग कर सकते हैं, ये यहां पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। बस वो जो पुलिस ऑफिसर है या वो जो अदर पर्सन है जिसको ऑथराइज कर रहे हैं वो सब इंस्पेक्टर की रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 23A जो था हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे अपने आखिरी सेक्शन की तरफ जो कि है सेक्शन नंबर 24, जो कि यहां पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, ये भी बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग सी बात कह रहा है। 24 कह रहा है क्लोजिंग ऑफ शॉप्स फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पीस, यानी कि पब्लिक पीस के लिए दुकानों को बंद करना। आपने आमतौर पे देखा होगा कि जब कभी भी आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई बहुत ज्यादा अनहोनी हो जाए या बहुत डिस्टर्बेंस हो तो कलेक्टर आदेश निकालता है कि शराब की सारी दुकानों को बंद करो। भाई कुछ भी अगर गड़बड़ होता है तो शराब की सारी दुकानों को बंद करो, क्योंकि वहीं से लोग और ज्यादा इंटॉक्सिकेट होकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और काम गड़बड़ करने लग जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि द डीएम बाई नोटिस इन writing to the licensee may require that any shop in which any intoxicant is sold shall be closed at such time for such period as he may think necessary for the preservation of public peace. यानी कि DM के पास subsection 1 में absolute power है कि वो क्या कर सकता है, 24 sub clause 1 में absolute power है कि वो in writing क्या करेगा, किसी भी licensee को बोलेगा कि तुम्हारी दुकान जो है अगले आदेश तक मेरे या इतने specific time period के लिए बंद रहेगी, लेकिन अपने मन से वो नहीं बोल सकता, उसके मन में केवल एक doubt होना चाहिए कि भाई public peace में ये disturbance डालेगा तो मैं ये आदेश पास कर दूंगा। यानी कि आदेश कब दे सकता है, जब पब्लिक पीस को खतरा हो। इफ अ रायत और अनलॉफुल असेंबली इज अपेरेंट अप्रीहेंडेड और अकर्स इन द विसिनिटी ऑफ एनी शॉप, अ मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास हु इज प्रेजेंट मे रिक्वायर सच शॉप टू बी केप्ट क्लोज फॉर सच पीरियड एज ही मे थिंक नेसेसरी। अब मान के चलिए कि आपके यहां पे कलेक्टर को पता चलते चलते समय लग गया, कोई मजिस्ट्रेट उस वक्त क्या था, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल वहां पे अवेलेबल था जिसके सामने कोई दंगा फसाद हो रहा था किसी शराब के दुकान के सामने, तो अगर वो चाहे और उसको लगे कि शराब को बंद करने की जरूरत है, शराब की दुकान को बंद करने की जरूरत
जरूरत है तो वो इमीडिएट इफेक्ट से किसके पास जा सकता है, शराब की दुकान के ओनर के पास, और उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो वहां पे बोल सकता है कि आप इस दुकान को क्लोज करिए और उस दुकान वाले को करना होगा। प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी सच रायत और अनलॉफुल असेंबली अकर्स अ लाइसेंसी शैल इन द एब्सेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट क्लोज हिज शॉप विदाउट एनी ऑर्डर। प्रोविजो जो है आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल रहा है कि भाई तुम्हें मजिस्ट्रेट के बोलने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हारी लोकेलिटी में कोई भी अनलॉफुल असेंबली हुई है या फिर कोई रायत हुआ है तो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपनी शराब की दुकान को तुरंत बंद कर दो। ठीक है सर, उसके बाद हमारे पास सबसेक्शन 3 क्या कहता है, व्हेन एनी मजिस्ट्रेट इश्यूज एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2 ही शैल फॉरथविथ इन्फॉर्म द कलेक्टर ऑफ हिज एक्शन एंड हिज रीजन देयरऑफ। अभी सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। 1 में क्या बोला था, कलेक्टर के पास ये आदेश है कि वो जब चाहे पब्लिक पीस को मेंटेन करने के लिए किसी भी शराब की दुकान को बंद करवा सकता है। सबसेक्शन 2 में बोला गया कि अगर कलेक्टर का आदेश नहीं आया और कोई मजिस्ट्रेट वहां उपस्थित है और उसको जरूरत लगती है कोई रायत या अनलॉफुल असेंबली के दौरान तो वो शराब की दुकान को बंद कर सकता है। प्रोविजो ने बोला कि सर आपको मजिस्ट्रेट की भी जरूरत क्यों है, अगर आपके आंखों के सामने अगर कोई बात गड़बड़ हो रही है, कोई दंगा फसाद शुरू हो गया तो आप खुद ही अपनी दुकान को बंद कर दीजिए। और आखिरी में सबसेक्शन 3 ने बोला कि मजिस्ट्रेट जो सबसेक्शन 2 में क्या कर रहा है, दुकान को बंद करवा रहा है, तो अगर वो ऐसा काम करवाता है तो उसको कलेक्टर को भी इन्फॉर्म करना होगा क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है, कलेक्टर है। तो यहां पे हमारा सेक्शन नंबर 24 खत्म हो गया है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडीइंग हार्ड एंड कीप स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के करियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।